आ रही आवाज? सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सभी, और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास को लेकर के फटाफट। तो कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन देवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नाव्या गुप्ता, हिमांशु, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी और आपकी क्लास। आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था का? मनीष जी जुड़ चुके हैं, पूनम सिंह जुड़ चुकी हैं, और रोहित विश्वकर्मा, शिवम, मनोज यादव, अंशिका सरोज, मोहित, प्रियम पाल, और अभी अभी जुड़े हैं रोहित और गीता, जितेंद्र, हिमांशी, पारुल अग्रहरी, बबीता, अंकुर सिंह, और अभी भाई बीरबल भी जुड़ गए हैं, लेकिन अकबर नहीं जुड़े अभी, का बात है। चलिए आप ठीक है? गीता, जितेंद्र, आवाज ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वर्तिका श्रीवास्तव, विनीत तिवारी, सावन राज और रवि गुप्ता सभी जुड़ चुके हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे ये बताओ, कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ा था सभी? और हाँ, एक बात और भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि भैया अगर पढ़ना है बाबू तो क्लास को छोड़ के ना जाना, क्लास को पूरा टाइम पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्लास को पूरा देखना है, छोड़ के बीच में नहीं जाना है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, कहीं से भी हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र वाले भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए सिलेबस है। क्योंकि जो मैं पाठ्यक्रम पढ़ाता हूँ वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी सबका दादा होता है, मैं बाप तो नहीं बोलूँगा, हाँ हाँ सबका दादा होता है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोनाली जी आपका भी कमेंट आ रहा, मुन्ना जी आपका भी आ रहा, सूरज और रजनी, ब्रजेश प्रजापति, अनुपम, और अभी अभी जुड़े हुए हैं आतिफा और अंशिका, आकृति। चलिए ठीक है, बहुत से बच्चे जुड़े हैं जिनका नाम नहीं बोला जा रहा, नाराज नहीं होंगे, बस प्यार से देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए तो ये बताइए, आज ये क्लास नंबर कौन सी है? प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो क्लास नंबर आपकी 15 है, हाँ ठीक है, लाइव नंबर LIVE, मैंने सही लिखा है का? क्लास नंबर 15 है, एक्सरसाइज 2.3 चल रहा है, क्लास 9th का NCERT। सभी बच्चे बुक खोल लीजिए, बुक ओपन रहनी चाहिए, किताब खुली मुंह बंद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कल आपको बताया था, हमने आपको ये भी बताया था कि बच्चा जो वो क्या बोलते हैं उसे, रिमाइंडर थ्योरम होता है, शेषफल प्रमेय, वो क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका पूरा डिटेल मैंने आपको कल बताया था इसके पहले की क्लास में। तो शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे, और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से 2-3 पार्ट हम बताएंगे, बाकी के आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। चलिए तो कोई भी कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, जिससे कि सभी का बात हम तक पहुंच सके। x-1/2 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप सभी के पास NCERT किताब है ना,
सबके पास है ना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का क्यूब प्लस थ्री यक्स का स्क्वायर प्लस थ्री यक्स, जो इधर बहुपद दिया है उसे मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। कह रहा कि यक्स का क्यूब प्लस थ्री यक्स का स्क्वायर प्लस थ्री यक्स और प्लस वन को निम्नलिखित से भाग देने पर, निम्नलिखित से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब यही का पहला पार्ट कल बताया था, दूसरा ये है, इसमें एक और भी है, एक और भी है, इनसे भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। या तो हमारे पास पहला तरीका है बड़ा वाला कि हम इनको भाग करें पूरा पूरा, इनको भाज्य बना लें, डिविडेंड, इनको डिवाइजर बनाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है तो ये मेथड हम लोग नहीं अपनाते। हम लोग करते हैं कौन सा तरीका भैया, हम लोग करते हैं बाबू वो शेषफल प्रमेय वाला, ठीक है, वो लगाएंगे। चलो लिखो, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर करो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं मज़ा आ रही ये जान लो तुम, ठीक है, क्लास को शेयर करो जल्दी से फटाफट, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रही। इसको आप लिखेंगे माना p ऑफ x इक्वल इतना, माना लिख लो, माना p ऑफ x इक्वल, अब मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, मैं हल में आ गया सोल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। दूसरे वाले को आप q ऑफ x के बराबर मानो, दूसरे वाले को आप q ऑफ x के बराबर मानो। भाई देखो, आप लोग क्लास को शेयर करके आओ बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, कम से कम 100 बच्चे तो होना चाहिए ना यार, शेयर करके आओ जल्दी से फटाफट, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, जैसे 10 20 40 50 लोग में। ये x माइनस वन अपान टू दिया है, ये हमने क्या किया, माना है, एक्चुअली दिया है लेकिन इसको इसके बराबर करेंगे, ये मैंने मान रखा है, ठीक है। अब नीचे लिखोगे क्या करोगे, अब नीचे लिखोगे, आपके समझने के लिए मैं बता दूं साथ में, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं साइड में बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स करके शेषफल ज्ञात करना है, करके शेष निकालना है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ बगल में, इसको लिखना चाहे ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, शेष ज्ञात करना है, क्योंकि हमें p ऑफ x को q ऑफ x से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे क्या, शेषफल प्रमेय से, क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से। भाई वैभव काहे को कॉपी पेस्ट कर रहे हो बेटा, कॉपी पेस्ट ना करो बच्चा, ठीक है, यहाँ पे लिखो शेषफल प्रमेय से। जो बच्चा शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ा है पिछली क्लास देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, अगर एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। शेषफल प्रमेय में क्या करेंगे, इसको जो भाजक होता है भाजक को जीरो के बराबर करते हैं, यहाँ से चर की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू। अब एक बटा दो को आप पी ऑफ एक्स में रख दोगे, ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से, इसको इसमें ला के मान रखना है, इतना लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ये साइड वाला नहीं लिखना ज़रूरी नहीं था जो मैंने मिटाया, ठीक है, क्लियर। चलो, ये प्लस वन था जो भी, इसको नहीं भूलना है यहाँ पे साथ में, इतना आप लिख लिए, लिख लिए, मिटाऊँ अब, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर यक्स है ध्यान देना, वहाँ वहाँ पर आप इसमें एक बटा दो रखोगे, ठीक है, इसी के नीचे, इसी के नीचे रखोगे बेटा, ठीक है, अब समझना, हमारे में जगह नहीं इसलिए मैं मिटा मिटा के हल कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे पूरा हो जाए आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट, देर नहीं किया करिए, लिखा मत करिए, स्क्रीन शॉट लिया करो, बाद में नोट किया करो। तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा हम इधर ला के मान रखेंगे जिससे कि जगह बनी रहे, हाँ, तो ठीक है, इधर ला के मान रखेंगे पी ऑफ वन अपान टू इक्वल, मान इसी पे रख रहे हैं लेकिन इधर इसलिए लिख रहे हैं जिससे जगह बनी रहे हमारे में दो बार करने का। एक्स का क्यूब का मतलब भैया एक बटा दो का क्यूब माइनस तीन गुणा
एक्स का स्क्वायर का मतलब 1/3 का, सॉरी 1/2, 1/2 आया था ना एक्स का मान, बोलो हाँ आया था ना स्क्वायर, और ये हो गया इतना। अब प्लस 3 एक्स की जगह पे बच्चा 1/2 और प्लस का 1, इनको हल कर लेना है, जो भी मान आपका आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, कितने बच्चे इसको हल कर लेंगे? सकीना हल कर लेंगी आप? और कोई एनीवन, किसी को कोई परेशानी हो सकती है क्या इसमें? अंशु, सरवन अंसारी कर लेंगे ना? ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा, ये माइनस 1/2 का स्क्वायर, आप सबको पता है बच्चा कि 1/4 होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1/4 में जब 3 से गुणा करेंगे बेटा तो ये 3/4 हो जाएगा, और प्लस ये 3 का गुणा करोगे 3/2 हो जाएगा, और प्लस का 1। इस 1 को हम नीचे 1 लिख सकते हैं ऐसे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इन सभी में जब एलसीएम लेंगे भैया तो इनका एलसीएम आएगा बाबू 8। अब समझना, 8 में 8 का भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 रहेगा, यही प्रक्रिया आगे भी करोगे। 8 में 4 से भाग करोगे, अब तुम्हें भिन्न हल करना आता है। अच्छा, 9 में पहुंच गए हो, फ्रैक्शन तो हल करना आता है ना। अब मैं ये भी बताऊं, अगर ये नहीं आता तो 0 लेवल पढ़ो रात के 9 बजे से। अब मैं इसको यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करूंगा। 4 से भाग करोगे 8 में 2 आएगा, 2 का गुणा करोगे 6 आएगा, प्लस 2 से भाग करो 8 में 4 आएगा, 3 में गुणा करो 12 आएगा, यही प्रक्रिया यहाँ होगी। 1 से भाग करोगे 8 में, ये 8 आएगा। नीचे दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन मैं सामने हल कर दूंगा जिससे कि ऊपर अच्छा सा दिखे। इसका आंसर देखो अनुप्रिया ने कर लिया, बहुत अच्छे अनुप्रिया जी, वेरी गुड। देखिए, अगर समझाना ना पड़े तो जल्दी हो जाए, समझाना पड़ता है तो थोड़ा लेट हो जाता है। हाँ, आप एक चीज़ ध्यान दो, इसमें जो आपका ये इक्वेशन दिया गया था भैया, ये पूरा प्लस दिया गया था बाबू, ये पूरा प्लस दिया गया, ये कहीं भी माइनस नहीं है, याद रखना, ये कहीं भी माइनस नहीं है। गलती से यहाँ पे माइनस था, देखो ये प्लस था, ये भी प्लस है, ये भी सारा प्लस है, सब जुड़ जाएगा। 12, 8, 20, 7, 27, फाइनल में आपका 27/8 आएगा। ठीक है, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को तुरंत लाइक कर दें और स्क्रीन शॉट ले लें। क्वेश्चन आपका हो गया, जल्दी करिए, मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी करिए, क्वेश्चन नोट करके स्क्रीन शॉट लीजिए। 40 बच्चे दूसरे वाले चैनल पे देख रहे हैं, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे 40 बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे नॉर्मली अगर उस पे ना चलता तो वो हो सकता है इस पे भी ना जुड़ते, वहीं रह जाते। तो आज बच्चे बट गए हैं, 40 उसमें हैं, 45 इसमें हैं, 90-100 बच्चों में 2 जगह बट गए हैं। हो गया, देखिए जब मैं बोलता हूँ कि आप स्क्रीन शॉट ले लो बाबू तो तुरंत कर लिया करो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई ऐसा है जो मोबाइल में स्क्रीन शॉट ना ले पा रहा हो या उसे ना पता हो? मुझे तो लगता है कि सब कोई कर लेगा ना। हाँ, मैं एक वोटिंग करवाना चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन तो मैं करूँगा लेकिन उसके पहले मैं एक वोटिंग करवाना चाहता हूँ कि कितने बच्चा ऐसा है जो स्क्रीन शॉट लेना नहीं जानता है? कोई है ऐसा? एक्स प्लस पाई वाला ऐसे कर लो, इसका तीसरा पार्ट है बच्चा यक्स। ठीक है बाबू, क्या है? यक्स है, तो पी ऑफ यक्स बराबर आपका मान लो, देखिए माना पी ऑफ यक्स बराबर एक्स का क्यूब 3x का स्क्वायर 3x+1। इसको हल में लिखेंगे, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। आप लिखो हल या सोलूशन, जो भी लिखो, पी ऑफ एक्स बराबर, लेट्स पी एक्स, हिंदी में बोलूं इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखेंगे लेट्स पी ऑफ एक्स इक्वल, ये पॉलिनोमियल लिख दो। हिंदी वाले लिखेंगे माना पी ऑफ एक्स बराबर, ये लिख दो, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स दिया है। अब नीचे लिखो शेषफल परमीय से, क्या लिखोगे? शेषफल परमीय से बाई रिमाइंडर थ्योरम, इंग्लिश वाले लिखेंगे।
मोहम्मद साहिल सिद्दीकी, मेरे खाना खूंगी कि नहीं भाई, क्या बोल रहा है भाई ये हा? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कम्युनिटी टैब में, कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसमें बताना, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपकी प्रॉब्लम वास्तव में, क्या आप स्क्रीन शॉट लेना जानते हैं? रुक जा, है मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसमें हाँ या ना बताना, बस हाँ या ना। हाँ, क्या आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। क्लियर? चलें, चलिए। तो बच्चा शेषफल परिमेय में क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है बाबू उसको जीरो के बराबर करते हैं, यानी यहाँ से कुल मिला करके हमें x का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो मुख्य समीकरण है उसमें x की जगह पे हर जगह जीरो रख के अप्लाई करेंगे, तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 1। कितना आंसर आ सकता है इसका, कोई बताए नहीं मन, जल्दी करिए फटाफट, देर नहीं। मैंने क्वेश्चन कमेंट किया है कम्युनिटी टैब में, जिसमें 85% लोग स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं और 15% ऐसे खतरनाक हैं जिनको नहीं पता है, 15% ऐसे डेंजरस प्राणी हैं जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट का होता है, उनको सब पता होगा मोबाइल में गेम वोम के बारे में। इसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है? बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो जीरो तो सब बता रहा है भाई, यहाँ पे प्लस है ना यार, करके देखो, फिलहाल जीरो तो नहीं आएगा, जो जीरो बता रहा है उसका गलत है। ये जीरो होगा प्लस, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा बेटा, लेकिन ये सूखे रेत में खड़ा हुआ एक साहसी और रुखदार वाला आदमी है, प्लस बीच में लगा इसकी सेफ्टी के लिए, इसलिए जीरो नहीं हुआ। अगर ये गुणा का चिन्ह लगा होता तो ये भी जीरो हो जाता, अगर ये मल्टीपल लगा होता तो ये भी जीरो हो जाता, ठीक है? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम बता देना मुझे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, जल्दी करिए, आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। देखिए जिनको जल्दी ख़त्म करना है वो सुबह वाली क्लास देखे, निवेदन है, क्योंकि सुबह मैं 7वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसमें मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। जिनको कोर्स ख़त्म करने की टेंशन है वो सुबह 7 बजे देखें, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, इसी महीना के बीतते बीतते कोर्स आपका 80% ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जिनको जल्दी कोर्स ख़त्म करना है सुबह 7 बजे वाली क्लास देखें, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर चलती है, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर। और जिनको धीरे धीरे पढ़ना है समझ समझ के, वो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ें और पढ़ें अच्छे से। आप लोग वोट करो भाई, जो कम्युनिटी टैब में पूछा हूँ, सभी बच्चे बताओ ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना जानते हो तो बोलो यस, नहीं जानते हो तो कमेंट टिक कर दो नो, कुछ ना कुछ करो ना यार। चलो चौथा नंबर देखो भाई, चौथा नंबर देखो बाबू, दिया है x प्लस पाई, ये दिया है ना। अब इसका हल हम करेंगे जब सोल्यूशन, आप लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है यहाँ पे, गिवन लिखना ये दिया है, यहाँ पे लिखना लेट्स, या फिर हिंदी वाले लिख लें दिया है, नहीं यार सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, दिया है नहीं, माना लिखेंगे, लेट्स या फिर माना, पी ऑफ यक्स इक्वल 3x का क्यूब, ये आपका मुख्य समीकरण आपकी किताब में दिया है, आप उसे ध्यान से देखो। यहाँ तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मुझे थोड़ा सा देखने दो,
बाहर तो नहीं निकल रहा है, सही है, दिख जाएगा। ये मेन इक्वेशन दी आपकी किताब में, 3x² + 3x + 1 ये दिया है। देखो बेटा यहाँ पे क्यू ऑफ यक्स, इसको मानोगे क्या, यक्स प्लस पाई, यानी जो हमें सब दिया है उसमें हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के बराबर इसको मान लेते हैं, बस थोड़ा कुछ पल के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा आप, चलो समझो। नीरज 6.1 सब दिया है, 6.1 सब दिया है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाओ, दो प्ले लिस्ट बनी होगी ना, उसमें देखो। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बाई रिमाइंडर टर्म, शेषफल प्रमेय से। तो भैया शेषफल प्रमेय कहता है कि जो आपका भाजक है उसे जीरो के बराबर करते हैं, तो यहाँ से जो चर पद की वैल्यू आएगी वो माइनस का पाई आएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट लिखिए। वैभव, वैभव भाई तुम क्या कमेंट कर रहे हो, हाँ तुमको पढ़ना नहीं है तो जाओ यहाँ, चले जाओ कुछ गोबर पानी करो। चलो अब जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ वहाँ पर इस इक्वेशन में जो पहला वाला दिया है उसमें रखोगे आप माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई का क्यूब प्लस 3 और ये माइनस का पाई का स्क्वायर और प्लस का 3 इंटू माइनस का पाई और प्लस का 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो सीरियस होके समझेगा उसे समझ में आएगा। मनीष राज बेटा अगर टाइम से जुड़ो तब आए ना, ये कोई भैया के ससुरारी थोड़ी आए हो, चाहे देर में आओगे चाहे टाइम पे आओगे उतने मज़ा मिलेगा, देर में आओगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा बस। चलो इसका क्यूब करोगे तो ये माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा और ये स्क्वायर करोगे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया ना, इसमें इसके आगे कुछ नहीं होगा। मोनिका वैष्णव, विनीत तिवारी, हृदय पांडे बेटा पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर तुम्हें यही विचार करना है, जांच करनी है कि पुराना है कि नया है कि कैसे है का है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ पाओगे। जो पढ़ने वाले हैं उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें इतना भी मतलब होता है। आज गुरु जी नहाए नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा आज, आज नहाए नहीं, आज तो ये देर में सो के उठे, हम नहीं पढ़ेंगे। तुमको अगर पढ़ने से मतलब है तो तुम्हें टाइम पे क्लास मिल रही, पढ़ो। गुरु जी नहाए हैं खाए हैं कि नहीं नहाए हैं तुमसे नहीं मतलब है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे चलें बेटा, इसको हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 पार्ट हो गया, इसमें एक पार्ट और दिया है। आप मुझे ये बताओ इसके जो अगला पार्ट है कर लोगे कि नहीं, इसका जो 5वां पार्ट है कितने बच्चे कर लेंगे, हाथ उठाओ फटाफट जल्दी से, कर लोगे कि नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना, एक घंटा मार, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मैं बोलता हूँ, मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ क्योंकि आप लोग ना मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्यूट से, इसलिए मैं बोलता हूँ, गुस्सा होने के लिए नाराज होने के लिए नहीं बोलता हूँ। अच्छा साथ साथ में कौन खा रहा है, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ ना कुछ खा भी रहे हैं साथ साथ में, मतलब उनका दिमाग तो नहीं चल रहा है, मुंह भले चल रहा है, और मैं खा तो नहीं रहा हूँ लेकिन पानी पीने चल रहा हूँ।
देखो तीन चार लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छे, कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं। ऐसे ही सब हो जाए तो देश सुधर जाए। चलो तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जिनको जल्दी कोर्स ख़त्म करना है बच्चा, सुबह 7 बजे वाली क्लास देखें, क्योंकि सुबह 7 बजे हम चैप्टर 7वां में पहुंचे हैं। और जिनको आराम आराम से पढ़ना है, देखो हम ऐसा करेंगे ना, जो सुबह 7 बजे पढ़ाएंगे उसमें एक प्रश्नावली के अलग अलग प्रकार के जितने प्रश्न हैं सब करवाएंगे, लेकिन एक ही प्रकार के सारे प्रश्न नहीं करवाएंगे, इसलिए वो कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में एक ही प्रकार के 5 प्रश्न थे, 5 थे, तो 5 में से हम 2 करवा देते, बस 3 छोड़ देते आपके लिए, लेकिन इसमें हम 5ों करवाएंगे, शाम के टाइम में हम 5ों करवाएंगे, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका भी हो सके। ठीक है, चलो। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हल करिए, लिखिए माना, इंग्लिश वाले लिख लो, लेट्स पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स इक्वल 5 प्लस 2x। इसे लिख लीजिए वैभव बेटा, पढ़ लो, नहीं तो तुमको एकदम से ब्लॉक कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, तुम आराम से सो जाओगे जा करके खाना पीना खा के। हाँ चलो, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय कहता है कि ये जो है क्यू ऑफ एक्स इक्वल, ये 0 हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स का मान है 5 प्लस 2x इक्वल 0, एक्स का वैल्यू -5/2 आएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी नहीं ना? मोहम्मद साहिल सिद्दीकी, क्लास रेगुलर देखोगे तब समझ में आएगा बाबू, ठीक है, रेगुलर देखोगे तब आएगा, नहीं तो ना आएगा। हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए। गुड मॉर्निंग, नहीं इस समय शाम हुई है भारत देश से, अगर आप बोल रहे हो तो। आगे बोलिए, आप बोलने में असमर्थ हैं, थोड़ा खाना पीना खा लीजिए, दिन में फोन करिए कल। चलिए, ये काफी देर से परेशान थे, इनको हजम नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उठा लिया, बाकी मैं उठाऊंगा नहीं क्लास के टाइम पे। चलो, ऐसा बोल रहे थे जैसे इनको पीछे से कोनो दबा के रखा है। इसका आंसर 27/8 आ रहा है। अनुप्रिया ने बताया तो है लेकिन गलत है थोड़ा सा, चिन्ह हमें लगता माइनस आएगा, चिन्ह माइनस आएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो मैं बोल देता हूँ तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। अब माइनस का 5/2 जो है वो बेटा लाके इनमें पटक दो, इन्हीं में लाके रख दो। तो माइनस का 5/2 ये क्यूब हो जाएगा 3, और माइनस का 5/2 प्लस 3, माइनस का 5/2 प्लस 1। ए चचा, बहुत दूर निकल गया भाई ये तो, रुक जाए एक मिनट रुक जाओ, जो बाहर निकल गया मैं उसको कवर करता हूँ, 1 तक दिखना चाहिए मुझे, काफी ज्यादा गरीबी दिख गई का इसमें, जाने दो दिखने दो। चलो देखो, समझो इसको हल करना है। हाँ, अब देखो ये जब इसे हम क्यूब करेंगे तो 5 25 5 125 होगा ना, अब समझना है यहाँ पे 125 हो जाएगा, काफी ज्यादा जूम हो दूर हो गया ना, दिख रहा है ना, और ये हो जाएगा 8, तो ये माइनस का 125/8 हो जाएगा, और ये 5 25 और ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा चूंकि 2 बार है, तो ये 3 गुणा 25/4 हो जाएगा, और प्लस
वैसे अगर इसका मल्टीपल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर लो, 25 3 75, एक ही बार में हो जाएगा 75, और ये 3 5 15, तो ये माइनस का 15 होगा, बटा 2 प्लस 1। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना, कोई हैरानी परेशानी नहीं, दिख तो रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, सभी हरों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा, ध्यान देना। अब 8 में जब 8 से भाग करोगे तो 1 आएगा बेटा, 1 का 125 में जब क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ये 125 ही रहेगा माइनस में, ये बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 4 से भाग करोगे एलसीएम में, जैसे भिन्न हल करते हैं, मैं इसको नहीं समझाऊंगा। कक्षा 9 में पहुंचे हो, तुम्हें फ्रैक्शन हल करना आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आता तो तुम पहले जीरो लेवल सीखो, बेसिक सीखो पहले। चलो इससे भाग करोगे 2 आएगा, इसका गुणा करोगे 150 आया, 2 से भाग करोगे 4 आएगा, 4 से गुणा करोगे 60 आएगा, इसके नीचे भी 1 से 8 में भाग करोगे 8 आएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं ना, प्लस प्लस जोड़ लो 150 ही हो जाएगा बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, माइनस का 185 और प्लस का 158, नीचे 8, दिख रहा है ना। इनको आपस में घटा लो, माइनस का 27 आएगा, यहाँ पे इनको सबट्रैक्ट करोगे, हमारे में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 27/8 आएगा, यही आंसर होगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं बेसिक बताते बताते हो जाता हूँ परेशान, हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बेसिक नहीं बताना चाहिए। चलो लिख लो जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करो फटाफट, हो गया ना इतना, हाँ। इतना हो गया क्लियर, किसी को कोई परेशानी हैरानी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से थोड़ा पोजीशन पे आ जाता हूँ, कहाँ पे खड़ा हो जाऊँ मैं, यहाँ पे सही रहेगा, नहीं यहाँ पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अरे मेरी भी फोटो आ जाए इसलिए मैं साइड में खड़ा होता हूँ। चलो फोटो का जमाना है ना, यहाँ देखे हो ना, नेताजी 2 किलो आटा देते हैं तो 7 लोग पकड़ते हैं इसे, तो ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, तो कम से कम हमारी भी तो फोटो आ जाए इसमें। देखो अब यहाँ पे जगह काफ़ी लंबी हो गई ना, देखो ज़्यादा जूम करने से जगह कम हो जाती है। हाँ मोनिका वैष्णो, एस के सिंघम, शिवम, गंगा साहनी, तो पहला तो हो गया ख़त्म भैया, आगे चलें। एक बार फिर से याद दिला दें, जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर उन्हें जल्दी कोर्स ख़त्म करना है तो सुबह 7 बजे PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे क्लास चल रही है, जिसमें 7वां चैप्टर चल रहा है, बहुत जल्दी कोर्स वहाँ पे ख़त्म होगा। आप सुबह वाली क्लास PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे देखो। अगर आपको DTL में एक एक प्रश्न का एक एक पार्ट हल करना है सब, तो शाम को 7 बजे हमारे साथ आओ, सुबह भी हम ही पढ़ाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी रहता है। कौन मैम बोल रहा है भाई, ब्रजेश प्रजापति, हमारे पास लैपटॉप है, नहीं नहीं लैपटॉप नहीं है, ये वो है, डिब्बा है तेल वाला, रखा हूँ सामने बस उसे देखने के लिए, क्या कहूँ इनको। तो दूसरे प्रश्न पे चले, टाइम है ना अभी, दूसरा प्रश्न करवाएं, समय तो है ना अभी। चलो दूसरा देखो क्या कह रहा है, फिलहाल करेंगे या ना करेंगे देख तो लो,
लिया ना लिया देख तो लिया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किरण यादव प्रयागराज में कौंधियारा किस तरफ है, वहां पर मेरा सेंटर है, शिवम भाई जानते हो कहाँ है, यहीं पे सारी बात हो जाएगी का। बात ना करो, पढ़ाई कर लो, सेंटर गूगल पे सर्च करो, ये सेंटर नहीं बताएंगे, ये तुम्हें कुछ और बता देंगे, ठीक ना, पढ़ाई कर लो चुपचाप बस। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि x का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे माना माना पी ऑफ x इक्वल, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, लेट्स पी ऑफ x इक्वल x का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ठीक है, ये दिया है, और क्यू ऑफ एक्स क्या दिया है भैया, ये दिया है एक्स माइनस ए, इनको इससे भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। इसमें आप लगाओगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय लगाओगे, प्यार से कर लोगे, मैंने पूरा खुला मैदान दिखा दिया आपको, इतना बड़ा दूर दिख रहा है, काफ़ी जगह कवर हो रही ना, काफ़ी जूम करने पे कम दिखता है। चलो ठीक है, क्लियर, सब कुछ अच्छा है भैया, क्लास को लाइक भी करो यार, हाँ कहो तो आरती वारती उतार लूँ अगरबत्ती कपूर जला के, लेकिन लाइक करो, और क्या करूँ मैं, कह ही तो सकता हूँ, पढ़ा तो मैं पूरे दिल से रहा हूँ, आत्मा की आवाज़ निकल रही मेरी, लेकिन फिर भी तुम लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो हनुमान जी की तरह, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम लाइक कर सकते हो, तो फटाफट करो चलो जल्दी से, या तो फिर मैं भी वही करूं, जब तक 5000 लौंडे नहीं आएंगे तब तक जल नहीं पीऊंगा, देखे हो कि नहीं, मैं भी वही करूं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा काम लगता है ये सब। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझ गए क्या, चलिए ठीक है, तो चलो इसको भी करवा देता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाए, तीसरा एक थी बचा इसको कर लेना, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। आप यहाँ पर लिखोगे क्या लिखोगे, लिखो शेषफल परमीय से, शेषफल परमीय से लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल परमीय कहता है कि क्यू ऑफ एक्स जीरो के बराबर हो जाता है, इसका मान एक्स माइनस ए है बराबर जीरो, तो एक्स जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, इतना पूरा दिख रहा है, क्लियर ना। अब क्या करेंगे जरा समझना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख दोगे, या फिर ए की जगह पे एक्स रख दो, तो क्या रखोगे आप, ए रखोगे जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है, तो बेटा ये पी ऑफ ए बनेगा, ए का क्यूब बनेगा माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस का ए, ए का क्यूब माइनस ये भी ए का क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये खत्म हो जाएगा, ये घटेगा तो पाँच ए, यानी पी ऑफ ए इक्वल फाइव पे आएगा, ये आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी नोच डालो जल्दी जल्दी फटाफट, देर ना करो, चलो किसी को कोई परेशानी, मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ, अब मुझे आइडिया आ गया, पहले मैं लगातार बोलता था गप 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 बक 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 बक, और लोग परेशान हो जाते हैं, अब थोड़ा देर कुछ सेकंड रुक जाता हूँ बीच में, एक्चुअली आदत पड़ गई, पहले जहाँ पढ़ाते थे वहाँ बड़ा शोरगुल रहता था, तो मेरी कोशिश रहती थी ना कि मैं लगातार बोलूँगा तो शोरगुल नहीं जाएगा क्लास में, तो बाहर की आवाज़ जाने नहीं पाती थी, वहाँ जहाँ एक मिनट शांत हो गया ना, बीच में तुम्हें कुछ और सुनाई पड़ने लगता।
स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जल्दी से। अभिषेक कुमार, मंजीत मौर्या एजी आर्मी और मदन गौतम, समझ में आ रहा सबको? क्लास का टाइम डेली शाम को 7 बजे से, और क्लास बिल्कुल फ्री होती है। इसके लिए आपको एक फूटी कौड़ी कहीं नहीं देना है, एकदम फ्री पढ़ो घर बैठे, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्यार मिलना चाहिए, क्लास को लाइक और शेयर करोगे यही इतना चाहिए बस। और हाँ एक चीज़ और बता दें, आप लोग की फ्री वाले एकदम फ्री, एकदम फ्री PVR स्टडी के फेसबुक पेज पे क्लास चलती है। इसमें से अधिकांश लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होंगे, जिसमें वो सेल्फी डालते हैं ऐसे करके और ना ऐसे करके, तो उस पे ना तुम्हारी पढ़ाई वाली भी चलती है, समझ रहे हो ना? इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हर जगह एक ही नाम है, कहीं भी सर्च कर लेना, हर जगह नाम PVR स्टडी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, उसमें आपको एक सिस्टम से कुछ अलग क्लास मिलेगी और सारी नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे कोई क्लास नहीं चलने वाली वहाँ पे बताया जाता है, कोई नई बैच शुरू हो रही तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ तो इसलिए फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना हर जगह। ये ऊपर जो नाम दिया है ना, ये यही नाम है हर जगह, यही है ना। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, सेल्फी तो सब लोग लेते हैं। कुछ लोगों को लग रही होगी क्योंकि उन्हीं को लग रहा है कि हाँ हम ही को बोल रहे हैं, तो मैं सबको बोल रहा हूँ जो जो करता है हम, लेकिन नहीं करते हम, वैसे इतने अच्छे हैं सेल्फी डाल के क्या करेंगे, लोग ले लेंगे चुरा लेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। जांच कीजिए 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे कहा जाए कि बताइए फलाने फलाने पापा हैं कि ना हैं, तो कैसे बताएंगे? उनकी मम्मी से पूछेंगे, कोई और भी तरीका होगा कि नहीं? वैसे कुछ यहाँ पे है समझना, 3x³ + 7x ठीक है, का एक गुणनखंड है कि नहीं है, जांच करना है। क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिया गया है, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए लिखने के बाद ये लिखना है 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये जांच करना। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो उसे 0 के बराबर कर लो, या भाग देने पे शेषफल 0 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कर लो जैसे करे हो अभी तक वैसे करना है। शेषफल 0 आएगा तो लिख देना इसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिख देना गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक करते आए वैसे कर लो, मैं बता दे रहा हूँ। चलो माना इसको पी ऑफ एक्स मान लो, इसको क्यू ऑफ एक्स मान लो, 7 + 3x। फिर क्या करोगे बच्चा? जैसे शेषफल प्रमेय अप्लाई करोगे, जो मान आएगा इसमें रखोगे, अगर फाइनल में आंसर 0 आता है तो लिख देना दिया गया 7 + 3x दिए गए बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। शेषफल नीचे 0 नहीं आएगा तो लिख देना दिया गया जो मान है वो इसका गुणनखंड नहीं है। बात पक्की? सभी फटाफट हाथ उठाओ, समझ में आया? जल्दी से हाथ उठाओ, आया समझ में? हाँ हाँ आया, यस 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 आया, आया ना समझ में? चलो फिर तो आज का क्लास का टाइम हो गया बच्चा, 40 मिनट की क्लास होती है। आज मैंने 45 मिनट पढ़ा दिया आपको, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, याद रखना 5 मिनट आज एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, कल 5 मिनट कम पढ़ाऊँगा। चलो फिर, आशीष यदुवंशी, मनोज यादव, अंशु और नान बाबू गोस्वामी, शिवम नाभ्या, संजीत कुमार, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की क्लास चलेगी 8:00 से। आपके घर में भैया भाभी दीदी मम्मी पापा कोई अगर UPTET देने वाला है या CTET वगैरह देता है, कोई है आपके अगर परिचय में लागे लगाए में,
उसको बता दीजिएगा, वो आके पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाई जाती है। रात 8 बजे से PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, इसके अलावा सुबह 7 बजे कक्षा 9 की मैथ होती है PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, ठीक है। ये PVR स्टडी 3.0 चैनल पे आप देख रहे हो। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो करके रखें, जिससे कि आप सारी अपडेट पाते रहें। हर जगह आप सर्च करेंगे PVR स्टडी, एक ही नाम सर्च करना है, PVR स्टडी। मिलते हैं फिर 15 मिनट में अगले चैनल पे। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और हाँ, PVR स्टडी परिवार 3 लाख पूरा होने पर आप सभी को दिल की गहराइयों से ढेर सारा थैंक यू। बस कल परसों में आप लोगों की संख्या 3